भक्त माता कर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर रायपुर में खासी रौनक और हलचल रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर्मा धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमारे मन में अटूट विश्वास, श्रद्धा और समर्पण है तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे हासिल न किया जा सके। माता कर्मा ने साबित किया कि भक्त की श्रद्धा में वो शक्ति है कि भगवान को भी प्रकट होने पर विवश होना पड़ता है। भक्त माता कर्मा धाम में यहाँ पिछले 7 दिन से यहाँ भागवत का आयोजन और कल कर्मा जयंती उसके पूर्व संध्या में यहाँ के भक्त माता कर्मा के दर्शन और रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित था और उसमें सभी साहू समाज के पदाधिकारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और कल कर्मा जयंती है और छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मा जयंती में अवकाश घोषित किया है, तो ये भक्त माता कर्मा के प्रति जो हमारी जो श्रद्धा है, विश्वास है, लोग लगातार इस भीषण गर्मी में भी हमारी माताएं बहनें कलश यात्रा निकालती हैं, भोग बनाती हैं और धार्मिक आयोजन भी होता है और प्रसाद का वितरण भी होता है। तो इस प्रकार से जो संगठन को मजबूती देने का काम भक्त माता कर्मा ने किया है, तो आज उसी के स्मरण में उसके पूर्व संध्या में, कर्मा जयंती पूर्व संध्या में आज यहाँ कर्मा मंदिर में, कर्मा धाम में आने का अवसर मिला। मैं सबको कर्मा जयंती बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, लेकिन इसके बाद कोरोना संकट के कारण भक्त माता कर्मा जयंती के समारोह का आयोजन विगत 2 वर्षों में नहीं किया जा सका। अब स्थिति सामान्य होने पर फिर से सार्वजनिक और धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। टोटल न्यूज़ छत्तीसगढ़ से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।